पहली बार हम लोग जा रहे हैं मेट्रो ट्रेन में चढ़ने के लिए, खास करके मेरे गणेश जी के फरमाइश पर। जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपको क्या लग रहा है आप लोगों कि सावित्री घूमने आई है? ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे गणेश जी इनको जितना घूमने का शौक है शायद ही किसी को होगा, हर एक चीज को इनका बात ये कि नॉलेज लेना चाहते हैं, नॉलेज पता हाँ, हर एक चीज का नॉलेज लेना चाहते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, हर एक चीज। यहाँ पर टिकट काउंटर है सर, जाइए। मैंने एक ही बोला मैम। दो पर जैसे हम लोग आए, हम लोग का तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, सही में एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। एक बच्चा स्टूडेंट होगा और वो बोल रहा है कि हम लोग पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं। उसने एक ही टिकट बोला, ना ही साउंड अंदर से सुनाई दे रही है और ना ही अच्छा से अंदर जा रहा है, और उसका पांच टिकट एग्जिट गेट यहाँ पर जाने, मुझे भी नहीं पता एग्जिट है। तो दोस्तों हम लोग अभी पहुंच गए हैं मेट्रो रेलवे स्टेशन सीताबर्डी नागपुर। हाँ, और अभी हम लोग दोनों सफर करेंगे और आज एंजॉय करेंगे। ज्यादा बड़ा सफर नहीं है। हाँ, मेट्रो रेलवे स्टेशन बर्डी से एचबी टाउन प्रजापति, छोटा सा सफर, लेकिन स्कैन हो चुकी है और अभी हम जाएंगे। देखिए मेट्रो में आप पहले बैठे हो, देखिए खुशी किसका ज्यादा है। मेट्रो में आपको पहले बैठे नहीं बैठे, बैठने के बाद आपको कैसा लगेगा जरा बता दीजिए। सबसे पहले तो आपका पूछूं, मुझे तो बहुत आने से ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बैठ के पता नहीं कितना अच्छा लगेगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए कहाँ, मेट्रो रेलवे स्टेशन, और अभी हम लोग बहुत बहुत ज्यादा अंदर से खुश है कि कब आएगी हमारी ट्रेन। रेलवे स्टेशन बैठी पहुंच चुके हैं, इधर से वही ध्यान तक नहीं, क्या सोच रहे आपके बारे में? पानी बट खाली है, पानी है आपके लिए, इमरजेंसी में आप पानी खोजती हो ना, ये कैसा लगा मेरे गणेश जी के लिए? कैसा लगा ये मेट्रो स्टेशन पर आकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक्सप्लेन नहीं कर सकती इतना अच्छा। सीमेंट का सारा पुल के ऊपर है ना, उधर वाली है, उधर आई। ये जो मेट्रो है ये तो एकदम खुले, मुझे नहीं लगता कि सीट मिलेगी। दोस्तों इधर से हमारी भी मेट्रो आ गई है और अभी हमारी खुशी का कोई अंत ही नहीं। और हमारे इधर से गणेश जी तैयार है, चढ़िए जाइए, चलिए आइए। हमको नहीं पता फर्स्ट बार है यहाँ, अरे बाप रे, चढ़िए किसी में भी चढ़िए। बात आपने देखा दूसरा मेट्रो जो गया वो भी कचाकच फूल था, ये भी कचाकच फूल है, सीट तो मतलब नसीब वालों को मिलते हैं ना, शायद यहाँ पर ऐसा आके लग रहा है। चलिए मैं आपको मेट्रो से नजारा दिखाती हूँ। तो कहीं ना कहीं हम दोनों का जो सपना था वो आज पूरा हुआ, और पूरा कैसे हुआ? मेट्रो में आज जी जी बिल्कुल, और ये सब हमारी गणेश जी की मेहरबानी है। भाई जब मेट्रो में चढ़ा था ना तब, हाँ हाँ तब मैं तब सोची थी कि एक बार तो मुझे जरूर चढ़ना है, लेकिन ऐसे ही चढ़ूंगी वो मुझे नहीं पता था। थैंक यू सो मच गणेश जी, बैठिए सीट है।
एक्चुअली हमको मेट्रो में सीट मिल गई, अभी हम बैठे कैसे लगा? आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। मेरे को बहुत अच्छा लगा, पर पहले मुझे थोड़ा सा डर लगा क्योंकि कभी बैठे नहीं मेट्रो में, पहली बार बैठे। और दोस्तों मेट्रो में घबराने की कोई जरूरत नहीं रहती क्योंकि 5-5 मिनट में स्टेशन आते हैं और कोई ना कोई उतरते चढ़ते रहता है और सीट मिल ही जाती है। जी जी बिल्कुल, जैसे हम लोग को मिल गया, इसलिए यहाँ पर जो भी खड़ा है सबको बैठने का मौका मिल जाता है। जी जी बिल्कुल। और ये ऊपर से जो नजारा दिख रहा है दोस्तों, ये मैं ऊपर से ले रही हूँ कैमरा, मतलब मेट्रो में चढ़ के नीचे का जो नजारा है वो खतरनाक है, सच में अमेजिंग है। जी 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 जी, एक बार आइए नागपुर तो मजा जरूर लीजिए मेट्रो रेलवे का। दोस्तों हमारे गणेश जी कभी सुधरेंगे नहीं, मेट्रो में भी कॉमेडी करना शुरू कर दिया मेरा हंस हंस के, बाप रे बाप, आतली पातली सब भूल गया। ये हमारे गणेश जी का मेहरबानी है जो मैंने भी साथ में गणेश जी का साथ साथ मैंने भी क्या बोलते हैं मजा ले लिया। नहीं बोले मजा ले लिया तो वैसे कैसा है, और हर चीज का एक्सपीरियंस जरूरी रहता हमको मेट्रो, मतलब पहले आज से पहले हम दोनों नहीं बैठे, आज इसके बाद हम मेट्रो का भी हमको एक्सपीरियंस आ चुका है। देख रहे कितना गदगद हो रहा है, लग रहा है इसको ट्रेन में ही छोड़ के चली जाऊंगी। मेट्रो चल ही नहीं रहा है, इधर से हम लोग निकल रहे हैं, मेट्रो ट्रेन का सफर हमारा यही तक था, ठीक ना। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मेट्रो, अगर आप मेट्रो सफ़र कर रहे हैं तो साइकिल अगर आपके पास है तो साइकिल लेके भी जा सकते हैं। ये देख सकते हैं बच्चा अपना साइकिल लेके आया है जो यूनिक लगा, अच्छा है। वहाँ पर भी वही रूल है, टिकट को पहले यहाँ टच कीजिए फिर जाइए, दो बार सटाना पड़ता क्या? दोस्तों इधर से हम लोग आ गए डायरेक्ट ग्राउंड रोड पे, उस साइड तरफ। इधर से हम लोग फिर से आ गए, और याद रखिएगा दोस्तों आप टिकट को बिल्कुल नहीं फाड़िएगा, खुद हमको समझ में आएगा तब ना हम कुछ बोल करके आए। मेट्रो की टिकट ले ली और हम जा रहे अम्मा जरी गार्डन, और इधर से मेट्रो भी आ गई, हमारी लाइन का नहीं है उसका लाइन का, हमारा दो नंबर पे। हाँ फिर से मौका मिला हमें मेट्रो में चढ़ने का, अच्छा लग रहा कि हम मेट्रो में घूमेंगे। तो एक काम कीजिए ना, मेट्रो में रहिए ठीक है, आज जाइए और आइए, बस पकड़ने का खर्च ज्यादा पैसा भी तो नहीं ले रहा है, 21 रुपए में जा रही है ऑटो वाले तो 2-2, 3-3 सौ रुपए। अरे अरे हमारी है क्या, हमको दिखाई दिया सेकंड में। है ना किसी में भी चढ़ जाते, खाली है खाली है। अरे रुक जाइए, अरे रुको यार, चलिए इसमें चढ़ते हैं, चढ़िए चढ़िए। दोस्तों शाम के 5 बजे फिर से चढ़ चुके हैं मेट्रो में, और एकदम खाली खाली है ना, अभी हम जब आए थे तो बहुत पैक थी, अभी एकदम खाली है। तो जो जो जगह में जो जो यहाँ पे स्टेशन है ऊपर में नाम आ रही है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सामने नाम आ रहा है उस नाम से आप उतर जाइएगा। जो जो दोस्तों ये बोल रहे थे कि नागपुर में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन इनको नहीं पता कि स्वयं नारायण जी आए हुए हैं, नागपुर बारिश कैसे नहीं होगी ये देख सकते हैं, बाप रे बाप चारों तरफ पानी पानी, अब क्या होगा। तो चले कैसे लगा कपड़ा मार्केट नागपुर का घूम कर? बहुत अच्छा कैसा है?
तो मुझे यहाँ लग रहा है सिर्फ ये बोलते हैं कि नागपुर में कपड़ा सस्ते में मिलते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमको तो धनबाद और यहाँ सब इक्वल लग रहा है। किसी चीज़ जो भी पूछ रहे हैं वो मतलब एक बोरे की नहीं है, फिक्स रेट है, कम नहीं होता। क्या बोले इनको, का मजा लिए, थोड़ा शॉपिंग भी किए, लेकिन शॉपिंग हुआ नहीं, पैसा हमारा कम था। तो दोस्तों वीडियो हम लोग यहीं पर का एंड करते हैं। भूख लग गई। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र। जी जी, जय झारखंड। पहले खाना खा लेते हैं।